अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेड वॉलनट चटनी, जिसे कश्मीरी में मरसुवंगन ढूंढ चुड़ कहते हैं। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत तीखी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। जिन्हें तीखा पसंद है वो इस चटनी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक ओखली, जिसे कश्मीरी में नेम कहते हैं, और मैंने लिए है यहाँ पे वॉलनट्स, गोज, और ये हैं मूली और रेड चिलीज। ये सूखे हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए मैंने इनको गर्म पानी में रखा था और ये बहुत सॉफ्ट हो गए, देखिए। और इनके जो सीड्स हैं बीच में, उसको मैंने निकाल दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाल मिर्च को ही कूटेंगे, एक एक करके हम इनको कूटेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, वरना ये सूखे हैं, मैंने इनको पानी में रखा था, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, इस चटनी को हम ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट, जो मज़ा आता है ओखली में, वो ग्राइंडर में नहीं आता है। और जो ही रेड मिर्च थोड़ा सा कूट जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे वॉलनट्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक वॉलनट यूज़ करूँगी इसमें, क्योंकि रेड चिलीज़ में थोड़ा सा पानी होता है और छींटे आने का ख़तरा रहता है, और इसलिए इसमें एक वॉलनट जाएगा और इसे छींटे नहीं आएंगे। फिर से हम कूटेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वॉलनट डालते हैं तो रेड चिलीज को कूटना बहुत आसान रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कितना अच्छा पेस्ट बनाया है इसका। रेड चिलीज को आधा ही कूटे ना, उसे अच्छा पेस्ट बनाए, तब जाके ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। और बाकी बचे हुए वॉलनट्स हम इसमें ऐड करेंगे और इनका भी पेस्ट बनाएंगे। अब हम वॉलनट्स को भी अच्छे से कूटेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छा पेस्ट बन चुका है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे मूली, मूली का एक एक पीस हम डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इजीली ये भी ग्राइंड हो रहे हैं इसमें। इनका एक ही पीस हमें डालना है इसमें, और ये इनको हम इस तरह से कूटेंगे, इनको इस तरह से ग्राइंड करेंगे, ये देखिए। फ्रेंड्स, हम एट अ टाइम मूली को इसमें नहीं डालेंगे, एक एक स्लाइस इसमें डालेंगे और इसको कूटेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छे से कूट चुका है, बहुत अच्छी चटनी बनी है। और यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और पूरी चटनी में इसको मिलाऊंगी, और हम इसको फिर से कूटेंगे, सो डैट जो हमने नमक डाला ये यूनिफॉर्मली इसमें मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बहुत अच्छी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।